तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया तो मैंने पिछले कुछ टाइम पहले पोको एक्स सीरीज की जब अनबॉक्सिंग कर दी, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, रिव्यू वीडियो बनाई, तो उस टाइम मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कंफर्म बोला था कि पोको एक्स सीरीज का एक रिव्यू वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी, 7 से 10 दिन के अंदर एक रिव्यू वीडियो आने वाला है, उसमें आपको कंफर्म इन डिटेल में इस फोन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो यूज ही कर रहा हूं, तो गाइस ये वीडियो एक कंफर्म रिव्यू वीडियो होने वाली है। इन डिटेल में आपको पोको एक्स सीरीज के हर एक फंक्शन के बारे में, हर एक चीज के बारे में कंफर्म बताने वाला हूं। अगर आप परचेस करना चाहते हो 2021 में तो आपके लिए कैसा फोन होने वाला है, और गाइस एक चीज और, मेरा पर्सनल ओपिनियन जरूर जानना है इस फोन के बारे में, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के मिडिल पार्ट में बता दूंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो गाइस जब फर्स्ट टाइम मेरे पास जो पोको एक्स सीरीज आया था फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो फ्लिपकार्ट का जो बॉक्स है उसको मैंने ओपन किया, और गाइस लिटरली जो बॉक्स है पोको एक्स सीरीज का वो बहुत ज्यादा भारी है कंपेयर टू पोको F1 और पोको X2, दोनों से बहुत ज्यादा भारी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस दोनों बॉक्स मेरे पास वो पहले वाले भी रखे हुए हैं, ये है गाइस हमें पोको X2 का और साइड में रखा हुआ है पोको F1 का बॉक्स, तो दोनों तीनों बॉक्स को मैं कंपेयर कर चुका हूँ। और गाइस पोको के हर फोन को मैं जहां तक मेरे को कंप्लीट पता है कि मैं पूरा पूरा जो है रिव्यू कर चुका हूँ अच्छी तरह से, मुझे पता है कौन सा फोन ज्यादा बेटर है, कौन से फोन में क्या चीज कमी है, कौन से फोन में क्या चीज अच्छा है, तो ये वीडियो काफी आपको इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर गाइस बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो गाइस डिजाइन जो है यहाँ पे हमको पोको F1 और पोको X2 से भी काफी ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि पोको X2 है उसमें ग्लास बैक का जो काफी सुंदर लगता था देखने में, बट गाइस यहाँ पे मुझे प्लास्टिक बॉडी में भी काफी कमाल की डिजाइन देखने को मिली है पोको एक्स सीरीज के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम टाइप देखने को लगता है पीछे से अगर आप देखोगे, और राउंड शेप में जो है कैमरे की डिजाइन दी गई है वो काफी प्रीमियम लगती है, एग्रेसिव डिजाइन है गाइस, काफी एग्रेसिव डिजाइन है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी जो है फोन की लगती है देखने में भी, पीछे की साइड से आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, और साइड में भी जो है ये पोको लिखा हुआ मतलब बीचों में जो पोको लिखा हुआ है वो भी काफी ज्यादा प्यारा लगता है, ओवरऑल फोन काफी ज्यादा एग्रेसिव लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर इस बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, डिस्प्ले काफी मेन हाईलाइट फीचर है इसका, जो कि गाइस यहाँ पर डिस्प्ले हमको देखने को मिलती है आउटडोर कंडीशन में काफी अच्छी कंडीशन देखने को मिलती है। हाँ मान सकते हैं पोको X2 के कंपेयर में इतनी क्वालिटी नहीं दिखती है डिस्प्ले में आउटडोर कंडीशन में, बट इंडोर में काफी अच्छी जो है डिस्प्ले हमको देखने को मिलती है, काफी अच्छी फिक्स भी हुई है फोन के अंदर, काफी अच्छी फिक्स हुई है और काफी अच्छी क्वालिटी हमको देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज का हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, IPS पैनल है इसका, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ हमको देखने को मिलती है, तो काफी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया इसकी जो हमको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है, आप देख सकते हो यार काफी अच्छी जो है वीडियो क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारी है। वाइड 11 का हमको जो सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, और वैसे ओवरऑल अगर बात करूँ डिस्प्ले की, डिस्प्ले को जो मैंने 7 से 8 दिन में यूज किया तो बहुत ही कमाल की, जो मेरे को डिस्प्ले में कोई भी 1% भी इशू देखने को नहीं मिला मेरे को एक। बट गाइस आपको एक फैक्ट बता दूं, पोको X2 हो या फिर पोको एक्स सीरीज दोनों में ये 120 हर्ट्ज की हमको रिफ्रेश रेट तो देखने को मिलती है, बट गाइस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे जब अगर हम यूज करते हैं अपने फोन को तो बहुत ही तगड़ी तरह से बैटरी को जो है पी लेती है एकदम निस्ट्रो लगा के, जिस तरह से हम कॉफी पीते हैं उसी तरह से जो है बैटरी को पूरी खत्म कर जाती है। बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस भी हमको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है कंपेयर टू पोको X2। गाइस हमको यहाँ पे 730G का एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, और गाइस इसमें हम गेम वगैरह करते हैं तो काफी स्मूथली हमको देखने को मिलते हैं गेम। हाँ अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको 1% इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, बट अगर कोई ज्यादा ही ज्ञानी है ज्यादा ही एक्सपर्ट है तो उसको हल्का फुल्का जो जटर टाइप आपको फील देखने को मिल जाएगा गेमिंग के अंदर, तो वो एक बहुत ही माइनर सी कमी हम देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमको छोटी मोटी जो है कोई मामूली सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बाई चांस कभी कभी, कुछ 6 महीने में एक बार, बाकी काफी कमाल का प्रोसेसर है, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि मेरे को पोको X2 होती थी कभी कभार जो है मेरा फोन लैग कर जाता था, हल्का फुल्का हीटिंग इशू आता ही लैग करने लग जाता था और थोड़ी थोड़ी जटर वगैरह प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ती थी पोको X2 में, बट यहाँ पे ये चीज बिल्कुल देखने को नहीं मिली है, बहुत ही कमाल की जो मेरे को परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है यहाँ पे पोको X3 में, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर है, हालांकि माइनर ही सही है बट गाइस माइनर ही हमें बहुत बड़ी बात होती है। अब गाइस बात करें बैटरी की, तो गाइस बैटरी हमको यहाँ पे बैटरी नहीं है, वो बैटरी नहीं है, बैटरा है बड़ा वाला, इतना बड़ा बैटरा जो हमारे घरों को पूरा चार्ज कर देता है वो वाला बैटरा है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि इसका जो बॉक्स काफी ज्यादा हैवी था, फोन भी काफी ज्यादा हैवी है, ईंट के बराबर का फोन है, काफी ज्यादा हैवी है, 225 ग्राम का हमारा पूरा पूरा फोन है। तो गाइस यहाँ पे 6000 mAh की बड़ी बड़ी बहुत बड़ी वाली बैटरी देखने को मिलती है। नॉर्मल यूजर ऑफिस में वर्क करते हो, ऑफिस यूजर हो ना, एवरेज अपना फोन को यूज करते हो, तो गाइस आपका ये फोन कहीं भी 2 दिन से पहले डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, मेरी गारंटी है। बट गाइस अगर मेरे जैसे हैवी यूजर से पूछो तो गाइस ये फोन सुबह अगर मैं इसको 120 हर्ट्ज पे स्टार्ट करता हूँ, सुबह 5 बजे अगर इसको हटाता हूँ तो ये आराम से 9-10 बजे तक 20% तक बैटरी मेरे को दे देता है, मतलब 20% तक इसमें बैटरी बचती है अगर 120 हर्ट्ज पे यूज करता हूँ। तब एक हैवी यूजर के लिए ये काफी बड़ी बात है 120 हर्ट्ज पे यूज करना और उसके बाद भी 20% बैटरी बच जाती है, ये मेरा पर्सनल यूज है गाइस। और वैसे गाइस आप लोग जानते हो पोको के सारे फोन काफी कमाल के होते हैं, मतलब अलग ही इंडिपेंडेंट ब्रांड तो है ये, काफी कमाल के फोन निकाल रहा है, बट गाइस जैसे कि आपको बता धीरे धीरे अपडेट के थ्रू जो है क्या हो जाता है वो सब आपको बताया, मैं बताने की जरूरत है नहीं। तो गाइस काफी ज्यादा कमाल की जो इसकी क्वालिटी फिलहाल मेरे को देखने को मिल रही है बैटरी की, तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा मैं इससे खुश हूं बैटरी से। पोको X2 में मेरे को इतनी अच्छी नहीं मिली थी, पोको X2 में मेरे को जो है 4500 mAh मतलब 4500 mAh की जो बैटरी देखने को मिली थी, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, एक सुबह में जो है इसको यूज करता था और शाम तक तो वैसे ही खत्म हो जाती थी 60 हर्ट्ज पे भी।
खत्म हो जाती थी सीरियसली। बट यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है इसको चलाने में। और 120 Hz की स्मूथनेस आप समझ सकते हो, जब 60 Hz आप यूज़ करते हो नॉर्मल तो कितना अच्छा आपको लगता है फील अपने फ़ोन में। बट गाइस आप समझते हैं 120 Hz की डिस्प्ले में कितना ज़्यादा जो है स्मूथ फील होता होगा मेरे को। बात करें चार्जिंग की, तो गाइस चार्जिंग में भी पोको ने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करी है कोई भी चीज़ की, मतलब कि कोई भी चीज़ इसमें कमजोर कंजूसी नहीं करी है। चार्जर भी हमको यहाँ पर 33 W का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारी बैटरी को एक घंटे में 90% चार्ज कर देता है जीरो से। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है गाइस, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी जो कि दो दिन में एक नॉर्मल यूजर पे खत्म होती है, उसको जो है एक घंटे में फुल चार्ज ही आप कर सकते हो ऑलमोस्ट एक। अब गाइस कुछ चीज़ मैं आपको इसकी ऐसी बताऊंगा जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर गाइस बात करें यहाँ कैमरे की, तो बैक कैमरे की अगर हम बात करें तो बैक कैमरा आपको यहाँ पे 16+13+2+2 MP के कैमरे देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही कमाल के। एक नाइट मोड को अगर थोड़ा सा बेस्ट कर लो, नाइट मोड को थोड़ा सा अपडेट के थ्रू अच्छा कर लो, तो वो भी अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी डायनेमिक रेंज को भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, डायनेमिक रेंज नहीं समझते, जो दूर की जो नज़र होती है फोन की उसको थोड़ा सा अच्छा कर लो। बाकी फोन का कैमरा, बैक कैमरा बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल की फोटोज लेता है। बट हाँ, पोको X2 से थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है, इसी मेरे को फील करी मैंने पोको X2 से अपने से कंपेयर किया तो थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है, इसी मेरे को फील हुई है लिटरली। अब गाइस बात कर रहे हैं फ्रंट कैमरे की, तो गाइस सीरियसली यार बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूं फ्रंट कैमरे से मैं, क्योंकि इस फ्रंट कैमरे की अगर सेल्फी वगैरह लोगे तो नॉर्मल तो अच्छा है, 20 MP का अच्छा कैमरा है फ्रंट में, काफी अच्छा खासा सेल्फी वगैरह दे देता है। बट अगर इसका फेस अनलॉक करता हूँ मैं गाइस, तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा कचरा है, कचरा ही बोलूँगा गाइस, मतलब कचरा से आप समझ सकते हो कितना बकवास कैमरा होगा। रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता गाइस फेस का, मतलब फेस को देख के ऐसे कहता है तुम हो ही नहीं है, ये तो कोई और ही है। यार ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फोन हाथ में है, तब जाके मेरे को फिंगरप्रिंट का बेचारे का उसका सहारा लेना पड़ता है। तो अब गाइस सीरियसली बहुत ही बेकार लगता है मेरे को इसका जो फ्रंट कैमरे का जो अनलॉक है, फेस अनलॉक बहुत ही कचरा है। मैं Xiaomi से पोको से यही बोलूँगा कि यार प्लीज़ अपडेट के थ्रू इसको सही कर दो, प्लीज़ यार इसको अच्छा कर दो, क्योंकि पोको X2 में इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा था, लाख गुना ज़्यादा अच्छा था इसका फेस अनलॉक। और पोको F1 की तो बात ही क्या करें गाइस, मतलब बहुत ही कमाल का IR फेस अनलॉक था, उसमें तो अलग से एक सेंसर दिया गया था पर्टिकुलर, तो वो तो अलग ही चीज़ है। अगर इस बात करें आप म्यूजिक की, तो म्यूजिक अगर आप सुनोगे तो म्यूजिक में आप इसके दीवाने हो जाओगे। अगर आप एक छोटा मोटा ब्लूटूथ स्पीकर रखे हो अपने फोन में छोटा वाला, तो उसको अगर आप एक छोटा मोटा स्पीकर रखे हो अपने घर में तो उसको फेंक दो उठा के, कोई जरूरत नहीं है। इसका लाउड इतना जबरदस्त है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, दोनों तरफ नीचे भी स्पीकर है ऊपर भी स्पीकर है, तो बहुत ही ज़्यादा लाउड इसकी साउंड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड है। वैसे गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जो मैंने बिल्ड क्वालिटी बताई थी, तो गाइस बिल्ड क्वालिटी में इसकी जो है प्लास्टिक बैग दिया गया है पीछे की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीप है और काफ़ी ज़्यादा बेकार टाइप का जो है प्लास्टिक यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता वाला प्लास्टिक यूज़ किया गया है। बट चलो कोई बात नहीं यार, कॉस्ट कटिंग करी है तो मतलब इतने अच्छे फीचर देती है, तो बिल्ड क्वालिटी चलो फिर भी इतनी मैटर नहीं करती है, काफ़ी अच्छी खासी फीचर देती है। बट गाइस वो जो है प्लास्टिक पीछे से हिलता भी है, जब हम उसको पुश करते हैं तो वो अंदर से दबता भी है इसका प्लास्टिक, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की हमारे फोन की, तो वो है गाइस यहाँ पे हेडफोन जैक 3.5 mm की हेडफोन क्वालिटी। जिस टाइप से हम हेडफोन लगाते हैं तो हमको जो क्वालिटी कैसी मिलती है गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर फोन में जो अलग अलग क्वालिटी हमको देखने को मिलती है। जैसे कि पोको का अलग फोन है, Xiaomi का अदर ब्रांड का अलग फोन है, सैमसंग का अलग फोन है, तो आप हर फोन में सेम ईयरफोन लगा के देखना आपको अलग अलग क्वालिटी तीनों चारों में देखने को मिलेगी, किसी में थोड़ा सा तेज, किसी में लाउड, किसी में बेस ज़्यादा, किसी में ट्रेबल ज़्यादा। बट गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पोको F1 जो था वो एक काफ़ी कमाल के प्रोसेसर वाला फोन था और उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ही कमाल की थी हेडफोन क्वालिटी, ईयरफोन क्वालिटी। पोको X2 आया उसके बाद में उसकी एकदम अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी नहीं है, 10 में से मैं उसको 8 रेटिंग दे सकता हूँ, जबकि पोको F1 को मैं जो है 10/10 रेटिंग दूंगा। बट यहाँ पे पोको X3 में जो है उन्होंने ये चीज़ इंप्रूव करी है, पोको X2 के कंपेयर में जो पोको X2 मैंने 8/10 जो पोको X2 मैंने 8 रेटिंग दी थी वो यहाँ पे हमको वापस आ रिकवर होती दिख रही है। जो पोको F1 में उनको ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती थी वही की वही सेम उनको पोको X3 मिलती है, मतलब बेस काफ़ी अच्छे खासा बेस पे फोकस किया, बेस काफ़ी अच्छा किया है, ट्रेवल भी काफ़ी अच्छा खासा किया, तो ऑडियो क्वालिटी अगर आप सुनोगे अपने कानों में तो वो भी आपको काफ़ी प्यारी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। प्रीमियम जो फोन आता है, एक फ्लैगशिप फोन आता है, उस टाइप की आपको जो यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिलने वाली है पोको X3 के अंदर। तो बाकी सारी चीज़ अच्छा खासा फीचर्स है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा खासा जो है हर चीज़ लगी मेरे को। बट गाइस थोड़ा सा भारी है, ईंट के बराबर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है, फील कर सकते हैं, जब लॉन्च हुआ था तब ये बहुत बड़ा रूमर उड़ा दिया था लोगों ने कि यार ईंट के बराबर है, ईंट के बराबर भारी है। बट लिटरली 3-4 दिनों में आपको जो हैबिट हो जाएगी, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए इस चीज़ को। हाँ, दूसरा फोन मैं अगर किसी ब्रांड का लेता हूँ तो मुझे पता लगता है कि हाँ यार मेरा फोन सच में काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बट ठीक है यार चलो 225 ग्राम का फोन है, हल्का फुल्का हैवी लगा था मेरे को भी जब मैंने पोको X2 से इसको रिप्लेस किया था, पोको X3 में मतलब चेंज किया था, तो काफ़ी मेरे को थोड़ा बहुत हैवी लगा था, बट धीरे धीरे करते करते आदत हो गई मेरे को भी। और सेकंड चीज़ गाइस यहाँ पे जो है मैंने बता दिया आपको, फेस अनलॉक बहुत ही बेकार कचरा है, अगर मेरे सामने हो तो मैं उसको पैरों से कुचल के फेंक दूँ, बहुत बेकार फेस अनलॉक, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। पोको X2 से तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, पोको F1 का तो मुकाबला ही नहीं कर सकता दूर दूर तक। बात करें मैं मेरे पर्सनल रिव्यू की, तो गाइस आप इसको परचेस कर सकते हो अगर आपको बड़ी बैटरी और एक जबरदस्त साउंड का फोन चाहिए, एक अच्छी बैटरी क्वालिटी, एक अच्छी डिस्प्ले, हर चीज़ अच्छी मिलेगी फ्रंट। और अगर आपको पसंद है फटाफट से क्विक अनलॉक फोन तो आपके लिए नहीं है, इतना अच्छा इसका जो है फेस अनलॉक नहीं है। हाँ, हालांकि फिंगरप्रिंट से आप कर सकते हो, वो क्विक है, जल्दी से आपका जो है फोन अनलॉक कर देगा, बट फेस अनलॉक से आप इसको इतनी जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि पहचानता ही नहीं आपको यार, कहाँ से करेगा।
तो वैसे ओवरऑल मेरा यही रिव्यू, काफी कमल का अच्छा अच्छा फोन है, अच्छा खासा फोन है। एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट आने वाला है बहुत ही जल्दी इसमें, तो परचेज कर सकते हो आप, काफी अच्छा खासा फोन है और साउंड वगैरह अच्छा है, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, हर चीज ओवरऑल अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कचरा पैसे मैंने बताई थी, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा जो है चीप प्लास्टिक का यूज किया गया, दो तीन ही चीजें इसकी मेरे को बेकार लगी, बाकी सारा काफी अच्छा फोन है, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। 7-8 डेज का मेरा ये रिव्यू है और गाइस मैं एक वन मंथ रिव्यू भी बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।